अगर हम बात करें सीयूईटी एग्जाम के बारे में, तो जब से ये स्टार्ट हुआ है हर साल इसका जादू बच्चों के सिर पर चढ़ता जा रहा है। और क्यों ना चढ़े, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट सपना देखता है कि हम घर से बाहर निकलें, तो ये एग्जाम उन बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है, ऐसा मौका देता है कि वो इंडियाज मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और मनपसंद अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये सेंट्रल लेवल पर होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने सीयूईटी का एग्जाम तो फिल कर दिया है, अब वक्त बिल्कुल नहीं है, ऐसे समय में हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है रसगुल्लों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, सारा डाउट आज हम क्लियर कर देंगे। और यकीनन जो आज आपको हम कुछ बातें बताएंगे वो प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, भाई क्या है, देख ही देखा हमने, चलिए दूसरों को देख लिया और वो भर रहे हैं, हमने भी फॉर्म फिल कर दिया। तो आप जान लीजिए जो सीयूईटी एग्जाम है बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसको कंडक्ट यानी ये एक केंद्रीय लेवल पर होता है और इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, इतना आपको याद होना चाहिए, है ना। इसको कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, एनटीए। अब एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे ये क्या है, और भी जैसे पॉपुलर एग्जाम अगर हम बात करें नीट, ठीक है ना, नीट, तो इसको भी यही कंडक्ट करवाता है। तो ये होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, और इस टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, जैसे हो सके बच्चों BHU हो गया, ठीक है ना, उसके बाद DU हो गया, ठीक, और उसके बाद JNU हो गया, तो इसी तरह के और बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो क्या है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया भर में। और ऐसे अगर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको एक गोल्डन चांस प्रदान कर रहा है, तो हमें उसे मिस नहीं करना बच्चों। लेकिन उसके लिए बेहतर रणनीति की जरूरत है कि बचे हुए कुछ दिनों में, यानी बचे हुए जो कुछ टाइम है, उसे हम किस तरह उस मौके को बनाएं ताकि हम क्या करें अपने मनपसंद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है कि कौन सा कोर्स ले लें, कौन सा मतलब इधर कहां से हम ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर लें, कौन सी ऑनलाइन कोचिंग ले लें, फालतू के चक्कर में मत पड़िए बच्चों। इतना कहेंगे पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। क्या करिए, अगर आपको इस एग्जाम के लिए सोचना है बच्चों, दिन क्या करिए, आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं, और प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों उतना ही बेहतर आपका ये एग्जाम जाएगा, ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या होता है आपको तो पता होगा, इसका सिलेबस क्या है, पूरी के पूरी या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको भली भांत पता है, ठीक, क्योंकि आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। तो क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए, मतलब प्रैक्टिस सेट जितने हो सके उतना ज्यादा सॉल्व कीजिए। इसमें देखिए नया क्या होता है भी बता, पहले तो बच्चों अगर इसके लिए हम बात करें, आपको 12th एग्जाम आप क्या है अभी देके ही आए हैं, ठीक, बहुत जगह भाई मान ले अभी चल रहा है, तो क्या है आपने 12th एग्जाम दिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ इसके लिए है ना, जो मैथ या बायोलॉजी वाले हैं, तो इनके लिए भाई आपको कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि आप अभी तुरंत एग्जाम दे करके आ रहे हैं, यानी तुरंत ही आपने क्या है बढ़िया तरीके से तैयारी करके पेपर दिया है, तो चीजें आपको वैसे भी पता है, लेकिन वहां पर थ्योरी नहीं रखना है, वहां पर कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, कोई भाई आपको क्या है न्यूमेरिकल का पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, वहां पर चलेगा तो चलेगा बच्चों सीधा चलेगा एक चीज भाई, स्मार्ट वर्क, जो जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क, ठीक ना, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तब भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं साल भर तैयारी करते हैं
उस तरह से तैयारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई दो महीने में उनसे बेटर तैयारी कर लेते हैं। रीजन स्मार्ट वर्क। तो आपको हार्ड वर्क से ज्यादा आपको बच्चों इसमें जोर देना है स्मार्ट वर्क, यानी इसमें जो क्वेश्चन, देखिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जो क्वेश्चन का लेवल होता है बच्चों वो थोड़ा क्या होता है इस टाइप का, यानी ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं आईक्यू लेवल के, यानी आपके वो दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होते हैं ठीक, उनके सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी उनको उनके बारे में नॉलेज से होता है, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करें। जैसे फिजिक्स वगैरह हम क्वेश्चन देखते हैं ना, भाई तार की लंबाई खींच कर दोगुना कर दी जाए, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा, अनुगमन वेग कितना, तो ये चीजें आपने पहले पढ़ा है, लेकिन क्या है भाई सॉल्व कैसे करना ये नहीं पता। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज्यादा एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट दो लगाते हैं तीन लगाइए उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ लीजिए इतना कर लिया ना, फिर देखना बच्चों आप इसमें अगर आपका सपना है यहां पर जाने का इन सब यूनिवर्सिटी में तो भाई कोई आपको रोक नहीं सकता है ठीक। ये बात का ध्यान देना, कुछ चीजें नहीं होती हैं, जैसे क्या है भाई आपको कि जो क्या है जीके वगैरह होते हैं ठीक उस लेवल के, तो बहुत सारे देखिए उतना लेवल देता नहीं है भाई, जैसे क्या है यूपीएसआई वाले हैं तो भाई एसएससी सीजीएल है, या फिर अदर जैसे रेलवे हो गया तो ऐसे लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है, जो भी आपके जीके वगैरह होंगे ठीक ना, जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं ठीक, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है कि आप उलझ जाएं कर ही ना पाएं। तो ठीक यही आपको ध्यान देना है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा इस समय आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, और जो भी चीजें क्या है बहुत ही मतलब ऐसा लगे भाई हमें कुछ नया मिल रहा है हाईलाइट करते जाइए और साथ ही साथ उसको लिखते रहिए ठीक, ऐसा नहीं कि हम नोट्स नहीं बनाने बोल रहे हैं, कोई भी चीज है आप लिखेंगे जितना ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि दिन रात मेहनत करना पड़ेगा बच्चों आपको लाइफ में बहुत कुछ अगर अचीव करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, देन ये तो करना पड़ेगा भाई। अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिल किया है तो भाई काम चलाऊ पढ़ने से कुछ होगा नहीं, आपको 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करना पड़े करिए, क्योंकि 4 दिन रो करके पूरी जिंदगी हंसिए या 4 दिन हंस करके पूरी जिंदगी रोइए, ये आपको डिसाइड करना है, हमें नहीं करना है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे बच्चों तो यकीनन इससे परिणाम आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाला है ठीक। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके इस एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, अच्छे से मेहनत करिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।